और कुछ दो वालेकुम गेस्ट और अस्सलाम। हैं जो दो गेस्ट और हैं जो कुछ देर में ज्वाइन करेंगे, वो कहीं बिजी हैं। तो क्योंकि टाइम भी हो चुका है तो मुनासिब यह है कि प्रोग्राम को स्टार्ट किया जाए। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाई मुस्लिम्स इश्यूज आर आउट ऑफ डिस्कशन इन द यूपी इलेक्शन 2022 कंपेन। फर्स्टली आई वुड लाइक टू थैंक्स माई टीम, एमयू कोऑर्डिनेशन टीम हु हैव ऑर्गेनाइज दिस इम्पोर्टेंट इवेंट वेबिनार, ऑनलाइन वेबिनार, क्योंकि ये वक्त की अहम ज़रूरत भी है, क्योंकि हिंदुस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज, जबकि मुसलमानों को सिर्फ अपना वोट बैंक समझती है, और हद ये है कि मुसलमान लीडरों को अपने स्टेज पर बैठाने को तैयार नहीं है। और हम देख ही रहे हैं जितने भी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज हैं, वो मुसलमानों का नाम लेना नहीं चाहती, मुसलमानों के इश्यूज डिस्कस नहीं करना चाहती। तो इस वक्त हमारे इंटेलेक्चुअल्स की जिम्मेदारी है कि वो सर जोड़ कर बैठे और गौर फिक्र करे कि आखिर मुसलमानों का ये हाल क्यों, और हमसे कहाँ मिस्टेक हुई, कहाँ गलती हुई, जो हमारा ये हाल है उसका सलूशन क्या होगा। तो मैं सर, आई वुड लाइक टू वेलकम माई गेस्ट नाउ। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर मोहबुल हक साहब, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं नाजिम अकबर खान साहब, जो कि सोशल एंड आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, और दो गेस्ट और हैं जो इंशाल्लाह जल्दी ज्वाइन कर लेंगे। तो फर्स्ट आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑन द माइक प्रोफेसर मोहबुल हक साहब टू डिस्कस ऑन द टॉपिक। और मेरी एक रिक्वेस्ट भी रहेगी सर से कि 7 मिनट में, 7-8 मिनट में बात को ख़त्म कर दें, कंक्लूड कर दें, क्योंकि ये व्यूअर्स का मैसेज आता रहता है, ज़्यादा लेंथी हो जाता है। तो आई वुड लाइक रिक्वेस्ट मोहबुल हक सर, प्लीज़ स्टार्ट। थैंक यू यासिर अख्तर। आई थिंक योर नेम इज यासिर अख्तर। यस सर, मोस्ट वेलकम सर, यासिर योर अख्तर टीचर इज और हियर। आई सोशल। वांटेड टू स्पीक इन एज द लास्ट स्पीकर, बट एनी वे नो प्रॉब्लम। इफ यू हैव टोल्ड मी टू इनिशिएट द डिस्कशन, देन आई कैन इनिशिएट। आई डोंट नो यस वेदर आई शुड स्पीक इन इंग्लिश और उर्दू। सर, उर्दू विल बी बेटर बिकॉज माय प्रोग्राम इज नाउ ये फेसबुक सोशल मीडिया पे वायरल है और लाइव चल रहा है, तो मोस्ट पीपल आर अंडरस्टैंड देंगे उर्दू, ओके okay. सो उर्दू विल बी बेटर सर। ठीक है। देखिए, बेसिकली मैं हमेशा अपनी बातों में ये कहता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हों, आपको सियासत में दिलचस्पी हो या ना हो, सियासत को आप में दिलचस्पी है। बड़ी अजीब सी बात है कि मुसलमानों में एक बड़ा तबका जो दानिश्वरों का भी है और कुछ हमारे दीनी उलमा का भी जो तबका है, वो जो जमहूरी सियासत है मुल्क की, उसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, और वो शायद शजर ममनुआ भी समझता है पॉलिटिक्स इज़ अ डर्टी गेम, वी शुड स्टे अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स, इन तमाम गंदी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। आम बोलचाल में भी मुसलमानों के दरमियान अगर आप देखें, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे इदारे में भी आपको असातिज़ा बोलते हुए मिल जाएंगे कि आई डोंट लाइक पॉलिटिक्स, हालांकि ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट अपने आप में होता है। ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट है जो कहते हैं कि आई डोंट वांट पॉलिटिक्स, आई यू नो दिस इज समथिंग वेरी बैड। आज जब हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि मुसलमानों के मसाइल सियासी जमातें, बतौर खास जब यूपी का इलेक्शन हमारे सामने है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टेट और जिसके बारे में ये कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है, तो फिर ये मुसलमानों के मसाइल सियासी जमातें जो बतौर खास मुसलमानों के वोट पर डिपेंडेंट हैं, वो भी बड़े मसाइल मुसलमानों के नहीं उठा रही हैं। मसला मिसाल के तौर पे अगर हिंदुस्तान में जेनोसाइड का कॉल दिया जाए, जो फंडामेंटल ड्यूटीज जो 51A में मेंशन्ड है कि आपको प्रमोट क्या करना है, कॉम्पोजिट कल्चर के स्पिरिट को प्रमोट करना है, फंडामेंटल ड्यूटी का खुल्लम खुल्ला वायलेशन, मुल्क के तकरीबन 200 कानून के क्लॉजेज उसके ऊपर लग सकते हैं, और ऐसे लोग जो जेनोसाइड की कॉल देते हैं, वो इंटरनेशनल क्राइम, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है वो बेसिकली। तो ऐसे लोगों पर भी कुछ बोलने से सियासी जमातें ग्रेज कर रही हैं, यानी नौबत यह है कि नस्ल कुशी की जब बात की जाए तो उसको भी उसकी मजम्मत करते हुए भी डर रही हैं। मुझे बहुत खुशी है कि ये
एमयू कोऑर्डिनेशन कमेटी ने कम से कम इन चीज़ों पे सोचा, और ये नौजवान जो मुल्क का मुस्तकबिल भी हैं और कौम के मुस्तकबिल भी हैं वो इन बातों पे सोच रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ी सी इससे अलग हट के बात करना चाहूँगा कि टाइमिंग पे मुझे बहुत ऑब्जेक्शन है। यानी जब इलेक्शन को 2 महीने रह गए तो सियासी जमातें मुसलमानों के इश्यूज पे बात नहीं कर रही हैं, तो इस पे हमें तकलीफ हो रही है। मैंने अक्सर ये देखा है कि मुसलमानों में जिसे कहते हैं ख्वाबे खरगोश में मुब्तला या कौम आम तौर पर ऐसे मौकों पे जागती है और कुछ बातें करती है, फिर वो 5 साल के लिए सो जाती है। जो सस्टेन्ड एफर्ट होना चाहिए, जिसे कहते हैं कॉरिडोर ऑफ पावर में जिसे लॉबिंग कहते हैं, और जहां पे आप इश्यूज को आर्टिकुलेट करते हैं, जिसे कहते हैं इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, तो इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन में मुसलमानों के दानिश्वर, मुसलमानों के रहबर, मुसलमानों के पढ़े लिखे लोग बहुत पीछे रह जाते हैं। अब जब इलेक्शन आ गया है तो देखिए एक बात समझने की जरूरत है कि हिंदुस्तान का जो पॉलिटिकल जो ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स है वो बदल गई है 2014 के बाद से, और वो 2014 में नहीं बदली है। 2014 में तो नतायज आए हैं 1925 से की गई कोशिश के, रादर 1875 से। जो 1875 से कोशिशें की गई थी उसके नतायज आपको 2014 में मिले हैं सस्टेन्ड एफर्ट के नतीजे में। और मुसलमान जिसे ये कहा जाता था कि वो यानी स्विंग कर सकते हैं और यूपी जैसे स्टेट में इलेक्शन को, वो पॉलिटिकली इररेलीवेंट हो गए हैं। ये बात आपको मान लेनी होगी कि पॉलिटिकली इररेलीवेंट क्यों हो गए हैं, ये सवाल अब जहन में आता है। अगर मुसलमान पॉलिटिकली इररेलीवेंट हो गए हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि खास किस्म का नैरेटिव इस मुल्क में आया, और उस नैरेटिव पे तकरीबन 31% लोग शुरू में, और अब तो ऐसा लगता है शायद 30-40% लोग उस पे आमादा हैं उस नैरेटिव को सपोर्ट करने के लिए। जब उस नैरेटिव में इंटरनल एनिमी, देखिए मैं बतौर खास ये कहूंगा कि बंच ऑफ थॉट्स गुलवालकर की सबको पढ़ना चाहिए। बंच ऑफ थॉट्स में गुलवालकर ने 3 इंटरनल थ्रेट्स का जिक्र किया है, जो संघ के सबसे बड़े आइडियोलॉग है, गुरुजी कहलाते हैं। उन उस 3 इंटरनल थ्रेट्स में मुसलमान नंबर 1 पे है। तो अब इंटरनल थ्रेट से डील किया जा रहा है, यानी मुसलमानों से सीए एनआरसी वगैरह जो कानून आपके सामने हैं वो सब आप देख लीजिए। बेसिकली ऐसी हालत में सियासी जमातों को जब एक जिसे कहते हैं ना वर्ल्ड अराउंड अस इज सोशली कंस्ट्रक्टेड, ये सोशली कंस्ट्रक्टेड वर्ल्ड है, मीडिया का, सोशल मीडिया का और पूरा फोकलोर का, नैरेटिव का रोल होता है। इस नैरेटिव में सियासी जमातें, जो सेकुलर सियासी जमातें अपने आप को कहती हैं, वो अगर मुसलमानों के इश्यूज को एक्सक्लूसिवली उठाती हैं तो आप ये याद रखिए कि वो कॉम्युनल फासिज्म को मजबूत करती हैं एक्सक्लूसिवली। मुसलमानों को भी एक बात सोचनी होगी कि नैरेटिव कैसे चेंज होगा, इससे ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स चेंज कैसे होगी, पॉलिटिकल ईडियम्स कैसे चेंज होंगे, क्या मुसलमानों का इश्यूज सोशल एक्सक्लूजन के बैनर तले डिस्कस किए जा सकते हैं, क्या मुसलमानों के इश्यूज सोशल जस्टिस के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किए जाते हैं, क्या मुसलमानों के इश्यूज डिस्क्रिमिनेशन, इक्वालिटी, इक्विटी, इन सब के पर्सपेक्टिव में डिस्कस किए जा सकते हैं, या सिर्फ एक्सक्लूसिवली मुसलमानों के इश्यूज सियासी जमातों से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो डिस्कस करेंगे। और मैं कहता हूं कि चलिए मैनिफेस्टो में वो शामिल भी कर दें, इससे पहले 2000 यानी इस 2022 के इलेक्शन से पहले तो कुछ सियासी जमातों ने बड़े बड़े वादे किए थे, या उससे पहले अगर आप देख लें यानी रिजर्वेशन तक की बात की थी, लेकिन अगर मैनिफेस्टो में मंशूर में शामिल भी कर दें तो इससे क्या फर्क पड़ता है। मंशूर में तो बहुत सारी बातें मुसलमानों से मुतालिक शामिल की गई, क्या उससे कोई फर्क पड़ गया? मैं ये समझता हूं, चूंकि वक्त कम है, तो मैं ये समझता हूं कि ये जो नैरेटिव है, जिस नैरेटिव में एक तरफ मुसलमान और दूसरी तरफ अक्सरियती तबका खड़ा नजर आता है, इस नैरेटिव को चेंज करने की जिम्मेदारी जहां जो लोग अपने आप को सेकुलर कहते हैं, नॉन मुस्लिम हैं, उसी के साथ साथ मुसलमानों पर भी है। जब तक ये नैरेटिव हिंदू वर्सेस मुस्लिम रहेगा, जब तक मुसलमान एक आइसोलेटेड इंटरनल थ्रेट के तौर पे खड़ा हुआ नजर आएगा, आप समझ जाइए कि हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स की ग्रामर जो है वो तब्दील नहीं होने वाली। इसीलिए आपको ये जो पॉलिटिकल ईडियम्स, जो पॉलिटिकल सिंबल्स, जो पॉलिटिकल
सारी नैरेटिव जो चेंज हो रहा है, उस नैरेटिव की पूरी जंग है। आखिरी बात के तौर पे मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देखिए पॉलिटिकल पार्टीज क्यों वजूद में आती है, पॉलिटिकल पार्टीज का अल्टीमेट मकसद होता है पावर हासिल करना, पॉलिटिकल पावर हासिल करना। जब इन जिन सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये बात समझ में आ रही है कि अगर हम मुसलमानों की बात करते हैं बतौर खास, तो उनका वोट बैंक जो है वो कम हो जाएगा या वो पावर में नहीं आ पाएंगे, यही तो बात है, सिंपल सी बात है। उनको अगर ये समझ में आ रहा है कि मुसलमानों की बात करेंगे तो हमें मुसलमानों का वोट मिलेगा, देखिए उनको एक बात समझ में आ गई है ज्यादातर सेकुलर सियासी जमातों को कि मुसलमानों के पास कोई च्वाइस नहीं है, मुसलमान एक नेगेटिव वोट के ट्रेंड पे सामने खड़ा है। नेगेटिव वोट में एक खास सियासी जमात को कौन हराने की पोजिशन में है और इस तरह की स्ट्रेटेजी बनाते हैं। ये फॉल्टी स्ट्रेटेजी जब तक रहेगी तब तक आप पॉलिटिकली इररेलेवेंट रहेंगे। नैरेटिव चेंज करने का मतलब यह है कि जो हिंदुस्तान के दूसरे महरूम तबकात हैं, मुसलमान अगर एक्सक्लूड होकर के अपने आप को आइसोलेट होकर बात करेंगे, दूसरे महरूम तबकात हैं जिनके अपने डिस्क्रिमिनेशन के इश्यूज हैं, जिनके अपने इक्विटी के इश्यूज हैं, अगर उनको साथ लेकर के एक नैरेटिव कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे, यानी हिंदू वर्सेस मुस्लिम नैरेटिव को जब तक आप कमजोर नहीं करेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम कोई नैरेटिव ये एक फैक्चुअल नैरेटिव नहीं है, जब तक हिंदू वर्सेस मुस्लिम वाला नैरेटिव खत्म नहीं होगा, सियासी जमातें जो अपने आप को सेकुलर भी कहती हैं वो मुसलमानों के इश्यूज को उठाने से गुरेज करती रहेंगी, और जो मुसलमानों के इश्यूज उठाती हैं उनके तरफ मुसलमान खुद नहीं आते। अगर कोई सियासी जमात, मैं कोई मुस्लिम सियासी जमात हिंदू सियासी जमात नहीं कहता, तो अगर मुसलमानों के जो इश्यूज उठाती हैं उनकी तरफ क्या एटीट्यूड होता है मुसलमानों का, आजादी के बाद से आज तक मुसलमानों का एटीट्यूड क्या रहा है उनके लिए, वो देखने की कोशिश करें। तो ये जो जिसे कहते हैं नैरेटिव की जंग, डिस्कोर्स की जंग, उस डिस्कोर्स में आपका बहुत हिकमत अमली के साथ सोचा समझा हुआ कदम होना चाहिए। अगर बहुत ही जज्बाती अंदाज में सिर्फ डिमांड सामने लेकर के मुसलमान खड़े रहेंगे तो उसका, आप जानते हैं एक मीडिया है जो आपके सामने आपके तमाम नैरेटिव्स को बहुत ही डिफरेंट डायरेक्शन में ले जाकर के खास सियासी जमात को फायदा पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो मैं समझता हूं कि ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है कि हम इस पर कंसर्न फील कर रहे हैं, लेकिन ये एक्सरसाइज बहुत लंबी एक्सरसाइज है, थ्रेड देयर डिस्कशन की जरूरत है, हाउ टू डी कंस्ट्रक्ट दिस नैरेटिव विच हैज बीन कंस्ट्रक्टेड बाय द यू नो द फोर्सेज दैट आर ऑपरेटिंग टुडे। So that's what I wanted to mention. Thank you very much. बहुत शुक्रिया सर, आपकी बातें सुनकर मुझे अबुल कलाम आजाद की वो सेंटेंस याद आ गया कि मुसलमानों को किसी पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत नहीं है, वो कांग्रेस में रहे। तो यहाँ से एक डिमोटिवेशन शुरू होता है मुसलमानों का। मैं इस बात को कभी सब्सक्राइब नहीं करता। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके सर, हमारे साथ एक गेस्ट जुड़ गए हैं, मुस्तकीम सिद्दीकी साहब, जो कि नेशनल कन्वीनर हैं इंसाफ इंडिया के। मैं उनका वेलकम करना चाहूँगा। और हमारा नेक्स्ट स्पीकर इज नाजिम अकबर खान साहब, जो कि सोशल एंड आरटीआई एक्टिविस्ट है। रिक्वेस्ट करूँगा कि माइक पर तशरीफ लाएं और कुछ अपना ख्याल का इजहार करें। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं सभी का शुक्रगुजार हूँ, और ख़ास तौर पे एएमयू कोऑर्डिनेशन कि उन्होंने एक अहम मुद्दा जो कि मुस्लिमों का इश्यूज नहीं उठा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज। देखिए 2014 में जब यूपी जब लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट आया तो उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक चीज़ किया, वो इन्होंने क्या किया, जो नैरेटिव एक सेट किया गया था मुस्लिम वोट बैंक का, उस नैरेटिव को उन्होंने पूरी तरीके से जो है ख़त्म कर दिया कि हिंदुस्तान के अंदर कभी मुस्लिम वोट बैंक था ही नहीं, हिंदुस्तान के अंदर जो वोट बैंक था वो था हिंदू वोट बैंक। तो उन्होंने उसी के बलबूते पर अपनी सरकार बनाई, और इसी नक्शे कदम पर चलते हुए सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सपा हो गई, कांग्रेस हो गई, ये लोग भी इसी रास्ते कदम पर चल रही हैं
कि मुस्लिम मुसलमान का भाई उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमारे पास बचपन से हमें ये सिखाया गया कि भाई हमें वोट क्या करना है, हमें वोट एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को हराने के लिए करना है। हमारा मुद्दा कोई नहीं होता है, ना ही हमारा कोई अपना खुद का लीडरशिप है। तो बस हमें क्या करना है भाई, कौन हार कौन जीत रहा है, भाई फला साहब जीत रहे हैं फला पार्टी से, अच्छा, इन्हीं को वोट देना है। तो हम और हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो हमारे जो सियासतदान है, वो इस मौजू पे बात भी नहीं करने को तैयार है। सबसे बड़ी दिक्कत हमारी ये है कि अगर हम कभी कहेंगे भी ना कि भाई हमारे ये इश्यूज हैं, नहीं, अगर आप इस इश्यूज पे बात कीजिएगा तो बीजेपी जीत जाएगी। तो ये यही सबसे ज्यादा दुख, जो 70 सालों में नुकसान नुकसान किया है मुसलमानों को, यही चीज ने सबसे ज्यादा नुकसान किया है कि हम सिर्फ हम खुद को जिताने के लिए कभी वोट नहीं किया है, हमने हमेशा किसी को हराने के लिए वोट किया है। और दूसरी सबसे अहम बात ये है, क्यों? क्योंकि उनको ये बात पता है, जो सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको ये बात पता है कि मुसलमान जाएगा कहाँ, मुसलमान जाएगा कहाँ भाई, जाएगा कहाँ, इनको इनको बस आसानी से इनको वोट मिल जाता है। तो यही सबसे बड़ा रीजन है। जितने भी हमारे सारे मुद्दे हुए हैं, CNRC का हो गया, ट्रिपल तलाक का इश्यू हो गया, या अभी हाल ही में देख लिए एक जेनोसाइड करने की बात कही गई, मॉब लिंचिंग का मुद्दा हो गया, इन सारे इश्यूज पे सारी पॉलिटिकल पार्टियां खामोश रहती हैं। बताइए, आप बताइए कि कांग्रेस की सेकुलर सरकार होने के बावजूद जो है वहां पर उनका खुद का मंत्री उसमें शामिल रहता है, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि हम लोगों ने, मुसलमानों ने क्या किया, मुसलमानों ने बिना शर्तों के पॉलिटिक्स किया। और मैं अक्सर हमेशा जब जहाँ कहीं भी मेरी तकरीरें होती हैं या जहाँ कहीं मुझे बात रखती है, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप भले किसी को वोट दीजिए, आप सपा को वोट दीजिए, बसपा को वोट दीजिए, कांग्रेस को वोट दीजिए, लेकिन एटलीस्ट अपने अपने शर्तों पर वोट दीजिए। शर्तों इन द सेंस कि भाई आप, हम आपको वोट देंगे लेकिन आप हमारे लिए करेंगे क्या? क्या आपको सिर्फ हम इसलिए वोट दें कि आपको सिर्फ आपको एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को हराना है उसके लिए वोट दें, या आप हम आपको हम इसलिए जिताएं कि आप हमारे इश्यूज को सॉल्व कीजिएगा? ना हमारे पास एजुकेशन में एजुकेशन है, ना हमारे बच्चों के पास नौकरियां हैं, उसके बावजूद इंसान, उसके बावजूद जो है क्या किया जाता है, हमें जो है धमकी दी जाती है कि आपको काट दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, जेनोसाइड कर दिया जाएगा, और जो है CNRC जैसे कानून लाए जाते हैं, शरीयत में मदाखलत होती है, लेकिन फिर भी सारी सेकुलर पार्टी के जो बड़े बड़े लीडर हैं, बहरहाल खैर उनको तो छोड़िए, जो मुस्लिम कम्युनिटी के बड़े बड़े लीडर हैं वो इन सब मुद्दों पे खामोश रहते हैं। अभी त्रिपुरा में जब मामला हुआ था तो वहां पर कुछ कांग्रेस के कुछ मुस्लिम लीडर गए थे। अब हद तो ये हो गई कि मुस्लिम पार्टी मुसलमानों के खिलाफ कोई इश्यूज होता है तो उसमें बोलते हैं सिर्फ मुसलमान है। तो भाई जब मुसलमान को ही बोलना है तो हम आपको क्यों चुने? जब मुसलमान को ही बोलना है तो मैं फिर राहुल गांधी, अखिलेश यादव को CM या PMP क्यों बनाऊं? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और जब तक हम अपनी शर्तों पे पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी शर्तों पे वोट नहीं करेंगे, तब तक ये मुद्दा हल होने वाला नहीं है। अब जरूरत ये आ गई है कि हम अपने शर्तों पे राजनीति करें, और इन सेकुलर पार्टियों को ये चीज दिखाने की जरूरत, बहुत जरूरत है कि हम, अब आपको हमारा वोट फ्री में नहीं मिलने वाला है। आप बताइए कि हमारे ये मसाइल है, आप इस मसाइल को किस तरीके से हल करेंगे? नहीं तो फिर क्या होगा, जो 70 सालों में हुआ वो आगे भी होता रहेगा। 70 सालों में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने इतने जहर घोल दिए गए हैं कम्युनिटी के खिलाफ कि आज देखिए उस पूरी कम्युनिटी को खत्म करने की, जेनोसाइड करने की पूरी जो है बात कही जाती है, लेकिन कुछ नहीं होता है। इसी सब बात है। और आप बताइए अब बाकी स्पीकर से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नाजिम साहब। और जाहिर बात है कि जब एक कम्युनिटी के खिलाफ ही वो इलेक्शन, ऐसा लग रहा है यूपी इलेक्शन में कि बीजेपी के बड़े बड़े लीडर की स्पीच सुने तो ऐसा नहीं लगता है कि वो हिंदुस्तान का कोई इलेक्शन लड़ रहा है, उनको ऐसा लगता है कि वो किसी एक कम्युनिटी के खिलाफ लड़ रहा है। उनके भाषण में कोई मुसलमान का नाम हो, किसी मुसलमान लीडर का नाम होता है तो जाहिर बात है ये एक जहर है जो पूरे हिंदुस्तान की में घुल चुका है, और इसका कोई ना कोई एक सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। और हमारा अगला स्पीकर है मुस्तकिम सिद्दीकी साहब, जो कि नेशनल कन्वीनर ऑफ इंसाफ इंडिया है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अपने ख्यालात का इजहार करें। मुस्तकिम सिद्दीकी साहब,
यासिर, हेलो जी, यस सर, आवाज जा रही है? यस सर जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं शुक्रगुजार हूँ एमयू कोऑर्डिनेशन कमेटी की कि इस तरह के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रही है, और इंशाल्लाह ये बड़ी अवेयरनेस लाएगी और मैं साथ हूँ। सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि चूंकि मैंने इंडियन पॉलिटिक्स को जिस अंदाज से देखा है, और जो पिछले इलेक्शन, चूंकि मैं खुद एक कैंडिडेट था वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन में जो 2021 में वेस्ट बंगाल में चुनाव हुआ, तो उसमें क्या हुआ और किस तरह हुआ मैं शॉर्ट में शेयर करूंगा। बस इतना कहना चाहता हूं कि हम जो हैं अभी इंडियन पॉलिटिक्स में बाय चांस हैं, बाय चॉइस नहीं है। इंडियन पॉलिटिक्स में मुसलमान जो है बाय चांस है, बाय चॉइस नहीं है। अब ये लगता है जैसे हम बड़े फख्र के साथ कहते हैं कि हम इंडियन बाय चॉइस हैं, नॉट बाय चांस, लेकिन पॉलिटिक्स में उसका उल्टा हो जाता है। अभी वेस्ट बंगाल में असेंबली इलेक्शन था, हमने देखा है कि यहाँ के लोगों को एक अलग सा डर पैदा कर दिया गया, बीजेपी आ जाएगी, और पूरी की पूरी चुनाव जो इलेक्शन हुआ कैंपेन, वो टोटल का टोटल एक डर के बिना पर था। मेरे पास ऑप्शन थे कि हम किस पार्टी में जाएं, अगर हम अपनी मर्जी की पार्टी में नहीं जाते हैं तो दूसरी पार्टियों में जाते हैं तो बाय चांस होगा, वहां हमें वही काम करना होगा जो बड़े बड़े दिग्गज कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि दूसरों को कोसने से पहले ये बेहतर होगा कि हम एक कैंपेन करें, अपने लोगों को जागरूक करें, अवेयरनेस लाएं कि पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस कितना बड़ा है। चूंकि हमें बचपन से, मैंने देखा अपने इलाके में जो बिहार से आता हूं, कि पॉलिटिक्स को बहुत ही गंदी नज़रों से देखा जाता था। पॉलिटिक्स का मतलब ये होता था कि जो लोग कुछ नहीं कर सकता वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करेगा, पॉलिटिक्स की अहमियत नहीं बताई जाती थी। पॉलिटिक्स चंद लोगों के हाथों में होता था, हमारे मजहबी रहनुमाओं के हाथों में होता था, वो जो जो फैसला कर दे, जो अनाउंस कर दे, ये तो मैंने होश हवास में देखा, और आज भी यही हाल है। चंद लोग जो हैं पूरे कम्युनिटी का जो वोट का फैसला कर लेता है। पॉलिटिकल पार्टियां जानती हैं कि इनकी बातों को मानने के लिए लोग मजबूर हैं, और यही वजह है कि वो चंद लोग जो हैं हमारे वोटों का फैसला करते हैं और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। मैं दरख्वास्त करूंगा एमयू कोऑर्डिनेशन कमेटी से कि इस तरह के प्लेटफॉर्म को बड़े स्तर पर कराया जाए। यूपी इलेक्शंस के मद्देनजर क्यों मुद्दे को नहीं उठाया जा रहा, सिर्फ ये इसलिए कि वो जानते जो पॉलिटिकल सेकुलर पार्टियां हैं वो इतना एकदम बखूबी मालूम है उन्हें कि हमारे पास ये लोग जो आए हैं हम उन्हें जो देंगे, यानी बाय चॉइस नहीं, बाय चांस हमने उन्हें कुछ फेंक दिया, कुछ दे दिया, उस पर वो सब्र करेंगे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे अंदर बीजेपी का इतना डर भरा हुआ है, इतना डरा दिया गया है, हालांकि ये डर खत्म हो जाना चाहिए था CANRC आंदोलन के बाद, मुसलमानों के दिलों से डर खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, जब एक पॉलिटिकल मोमेंट या इलेक्शंस का वक्त आता है तो ये डर को और बढ़ा दिया जाता है। मेरा अपना मानना है कि हम पहले खुद को मजबूत करें, अवेयरनेस लाएं, लोगों के बीच जाएं, बात को रखें, जिस तरह ये कोऑर्डिनेशन एमयू कोऑर्डिनेशन कमेटी कर रही है, इसको लार्ज स्केल में करना वक्त की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसको करने से यूपी इलेक्शंस में बहुत बड़ा असर पड़ जाएगा, लेकिन अगर इसको कंटिन्यू किया जाए, हर स्टेट में इस तरह के प्रोग्राम कराए जाए और अपने मुद्दों को उछाला जाए, अपने मुद्दों को रखा जाए, तो इंशाल्लाह बहुत बदलाव आएगा, और इस बदलाव के लिए हम लोग साथ रहेंगे। जिस हद तक ज़रूरत पड़ेगी हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे, ताकि आने वाले चुनाव में भी, अगला जो हो चुनाव 2022 के बाद, उस चुनाव में हम अपने हक और हकूक की बात करें और उस बात को पॉलिटिकल पार्टी से मनवाएं, वहां पर हमारी पहचान यह हो कि हम जिस पार्टी में हैं बाय चांस नहीं, बाय चॉइस है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं महबूब हक सर से क्वेश्चन करना चाहूंगा कि सर आखिरकार ये क्या वजह है कि मैंने देखा है इससे पहले के स्टेजेस पे कि मुसलमानों को अपने साथ बैठाने को भी तैयार नहीं है कोई पॉलिटिकल पार्टीज,
उनका नाम लेना नहीं चाहती, इशू डिस्कस नहीं करना चाहती, और मुसलमान इतना पॉलिटिकल इतना पीछे क्यों है? देखिए, या फिर एक बहुत बड़ी बात यह है कि एक और बात मैं फील करता हूँ इस सवाल से आपके जहन में आया कि मिसाल के तौर पे अगर कोई सियासी जमात है, जैसे आप ले लीजिए वैसी साहब की जमात है जिसको हेड करते हैं वो, मुसलमान भी उसे मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं जबकि वो एक सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें तमाम कौमों के नुमाइंदे हैं, जीत के आते हैं, उसको पहले से अलग कर देते हैं। बात ये होती है कि देखिए, एक पार्टी की बागडोर जिसमें आपकी बड़ी तादाद है, सिर्फ इतनी सी बात है, अदरवाइज इस मुल्क के सिस्टम में कोई वो अलग से थोड़ी है वो कोई पॉलिटिकल पार्टी। दूसरी अहम बात आप याद रखिए कि उन्हें मालूम है कि ये मुसलमान जो हैं, मैं थोड़ा ब्लंट हो रहा हूँ, शायद लोगों को बुरा लगे, सियासी भिखारी हैं, ये सियासी फकीर हैं, टिकट लेने के लिए, पार्टी की मेंबरशिप लेने के लिए, और बहुत छोटे छोटे लेवल के लीडर भी अगर उनके घर आ जाते हैं तो उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए बेकरार रहते हैं, अगर आप देखिएगा। नतीजे के तौर पे जब आपके पास कोई रास्ता नहीं है तो आप जो तमाम सियासी जमातें हैं उसमें जाते हैं और उसमें जाकर के दरवाजा खटखटाते हैं, जो भी पोजीशन मिलती है उसमें रहते हैं, रहने की कोशिश करते हैं। दो चीज़ें हुई हैं देखिए, पार्टीशन के वक्त से लेकर अभी तक हमने जो हिंदुस्तान में सोशल स्ट्रक्चर है उसकी बहुत अच्छी स्टडी हमने नहीं की है, और उस सोशल स्ट्रक्चर को अगर हम बहुत अच्छे से समझ लेते और जिसे कहते हैं कॉमनैलिटी ऑफ प्रॉब्लम्स अगर आप तलाश करेंगे, तो उत्तर प्रदेश में अगर कॉमन प्रॉब्लम्स तलाश करेंगे तो महरूम तबकात मुसलमानों के अलावा भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि अगर मान लिया कि महरूम तबकात कोई सियासी जमात लेके आते हैं तो वो किससे बात करें, किसी मदरसे के मुदर्रिस, मोहतमिम, किसी बोर्ड के इससे, या किसी बड़ी मस्जिद के इमाम से? वो इनसे बात करके ये समझ जाते हैं कि इनसे बात कर लिया तो मुसलमानों का वोट हमें मिल गया, और मुसलमानों का वोट सियासत के यानी इलेक्शन के दौर में कुछ वादे और पता नहीं मेरे ख्याल से क्या चीजें मिलती हैं। तो जिसे मैं ये कहता हूँ कि जो सस्टेन्ड पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिक्स एक 24 आवर्स अफेयर होता है, उसमें डिमांड्स होती हैं, उन डिमांड्स को आर्टिकुलेट किया जाता है, उसमें मोबिलाइजेशन होता है, आप पहले खुद को कन्विंस करते हैं, सबसे पहले तो खुद को कन्विंस करना होगा ना, आपके पास सियासत का मॉडल कौन सा है। मैं आपके सामने ये दो दो मिनट आप मुझे दीजिए, मैं आपको मिसाल देता हूँ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के दो सेंटर्स हैं, तीन सेंटर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, एक है केरला में मल्लापुरम में जहां से मुस्लिम लीग जीतती है। केरला में जो मुसलमानों की तादाद है अगर आप देखें तो वेस्ट बंगाल और आसाम से कम है परसेंटेज वाइज। वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद में आपका सेंटर है, उसकी जमीन है और उसका एरिया है और वो किस तरह का है, और मल्लापुरम में है वो किस तरह का सेंटर है, उसकी क्या है, आप खुद दोनों में फर्क। वजह क्या है, केरला में इतना बड़ा एडवांटेज आपको क्यों मिला? इसलिए कि आपका शेयर है पॉलिटिकल पावर में, असेंबली में, जब शेयर है तो आप अपनी चीजों को मनवा लेते हैं। वेस्ट बंगाल में मुसलमान तकरीबन 28% होती है ऑफिशियली, या आसाम में 30% मुसलमान होते हुए ये पोजीशन क्यों है? और अब जब ये हम तलाश करते हैं तो जब मुसलमानों में दानिशों से आप डिस्कशन करेंगे तो हम वो कहते हैं कि देखिए दो मॉडल है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये इतनी जल्दी का काम नहीं, बहुत थ्रेड देयर डिस्कशन चाहिए, टाइम कम है, कि ठीक है बदरुद्दीन अजमल साहब ने एक सियासी जमात बना ली आसाम में तो उसका रिजल्ट क्या मिला, और ठीक है अगर अब केरला में मुस्लिम लीग की वजह से बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, तो एक फेल्योर का मॉडल सामने रख देते हैं और एक कामयाब मॉडल सामने रख देते हैं जो केरला का मॉडल है, जहाँ पे सियासी पावर यानी जो सियासी ताकत है मुसलमानों ने शेयर किया है यानी दूसरे तबकात के साथ। तो ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें बहुत नौजवानों को बतौर खास, चूंकि नौजवानों से उम्मीदें हैं, जो 1947 से लेकर अभी तक जो जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मुजरिमाना खामोशी अख्तियार कर रखी थी जब बड़े इश्यूज डिस्कस हो रहे थे, उनके नाम में रहमतुल्ला अलैह लगा के जब आप डिस्कस करते हैं उन मुजरिमाना खामोशियों को भूल जाते हैं, तो फिर आप ये समझ जाइए कि उनसे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है। तो ये जो नौजवान तबकात हैं जो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सोच रहे हैं, बेदार मग्ज हैं, और वो
चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार है। मैं समझता हूँ कि उनसे उम्मीदें हैं, ये एक छोटी सी कोशिश में नहीं समझता हूँ। इस डायरेक्शन में जो आप लोग सोच रहे हैं ये अपने आप में बड़ी बात है। मैं इसका रिजल्ट बिल्कुल फौरन नहीं जानता, मैं जानता हूँ इसका रिजल्ट फौरी तौर पर नहीं मिलेगा, लेकिन ये कोशिशें अपने आप में बड़ी अहम है कि भाई हमारे इशूज हैं, हम एक बहुत सारे इशूज को झेल रहे हैं, तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन के इश्यूज हैं, उसमें लिंचिंग के इश्यूज हैं, उसमें फिजिकल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, उसमें जेनोसाइड के कॉल के इश्यूज हैं, उसमें हमारा यूपी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की जो हालत है आपने आपने देखा होगा कि एक लॉ पास कर दिया गया कि आप माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अपॉइंटमेंट भी आप नहीं कर सकते अपनी तरफ से, तो ये जो आपके आबा अजदाद ने जो इदारे बना रखे थे उसमें आपका अपॉइंट आप खुद से नहीं करेंगे अपॉइंटमेंट, तो अल्टीमेटली क्या होगा, यू नो ये बैकडोर से वो इदारे जो आपको आर्टिकल 30 क्लॉज 1 का प्रोटेक्शन मिला था, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन फंडामेंटल राइट में जो आपको मिला हुआ और जिसकी नेचर है एब्सोल्यूट हैसियत है जिसकी, उसको भी खत्म किया जा सकता है, आप अंदाजा लगाएं। तो अल्टीमेटली सोचने की जो जरूरत है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है इन 70 सालों में जिसका यानी 70 सालों में जो हम सियासी डगर पर चलते रहे हैं उससे हमें वो रिजल्ट नहीं मिल पाया है, और उसमें कहीं ना कहीं हमारे बुजुर्गों की गलती थी, खामियां थी। देखिए मोनोपोली नहीं होती है विजडम किसी एक जनरेशन की, विजडम इज नॉट द मोनोपोली ऑफ वन जनरेशन, तो दैट इज वाई आपको ये सोचना होगा कि क्या खराबियां रहेंगी कि इस मकाम पे हम आकर खड़े हुए हैं, कि कल तक तो रिजर्वेशन तक की बात कर रही थी सियासी जमातें, आज जो है आपके नाम लेने से डर रही हैं, आपको स्टेज पे बुलाने से डर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं अगला क्वेश्चन मैं मुस्तकीम साहब से करना चाह रहा हूँ। जैसे सर ने कहा कि मुस्लिम बाय चांस है, बाय चॉइस नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज में इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि बाय चॉइस नहीं हो सके बाय चांस है, और आखिर हम अपने लेवल पर ऐसी क्या कोशिशें कर सकते हैं जिसकी वजह से हमें बाय चांस होना पड़े, बाय चॉइस होना पड़े बाय चांस नहीं, और ऐसे क्या क्या बैरियर्स हैं जो पॉलिटिकल लाइफ में पॉलिटिकल स्टेज में आते हैं जिसकी वजह से हमें डिमोटिवेट होना पड़ता है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो हम अपनी स्ट्रेंथ को देखेंगे, हमारी स्ट्रेंथ क्या है एज ए पॉलिटिकल लीडर। चॉइस और चांस दो अलग अलग चीजें हैं। जब हम चॉइस की बात करते हैं तो चॉइस में हम अपने हक और अधिकार की बात करते हैं। जब भी किसी पॉलिटिकल पार्टीज के पास हम जाते हैं या किसी पॉलिटिकल पार्टीज से ऑफर हमें आता है तो सबसे पहले हमारे जहन में ये बातें आती हैं कि हम जो है अगर इस पॉलिटिकल पार्टीज का साथ दे दिए तो कुछ नहीं होगा, हम अपने आप को डेवलप कर जाएंगे, एस्टैब्लिश कर जाएंगे। अपने मन से इस बात को निकालना पड़ेगा कि हमें एस्टैब्लिश करना है। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूं, सारे लोग जानते हैं कि आसनसोल उत्तर विधानसभा का चुनाव मैंने गठबंधन की तरफ से लड़ा था। गठबंधन मतलब कांग्रेस, आईएसएफ और लेफ्ट, लेफ्ट अलायंस का मैं कैंडिडेट था। टिकट नहीं मिलने तक किसी को उम्मीद नहीं थी कि मुझे टिकट मिलेगी, और मुझे जो भी टिकट मिला इसलिए नहीं मिला कि मेरी एक बड़ी बहुत बड़ी इकोनॉमिकली मैं बहुत मजबूत हूं या पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग हूं या मैंने वहां पर वर्कआउट बहुत ज्यादा किया है। एक्चुअली क्या होता है, वो स्ट्रेंथ हमें कहां से आई थी, CAA NRC के आंदोलन से। मैंने एक बहुत बड़ा आंदोलन वहां किया था, कंटिन्यू शाहीन बाग की तस्वीर, तो ये हमें एक स्ट्रेंथ मिला था, हम अपनी आइडेंटिटी बनाए थे वहां पे। जब हमारे मुझे टिकट मिल गया यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से, गठबंधन की तरफ से टिकट मिल गया, तो अब हमारी बोली लगाई गई और बोली के साथ धमकियां दी गई कि बैठ जाओ, ना हम बिके ना खरीदे। मैं अपने हार को स्वीकार करता हूं, पूरे बंगाल के रिजल्ट खराब हुए, हमारी पार्टी क्या लेफ्ट और कांग्रेस जैसी सूखड़ा साफ हो गई। लेकिन वहां पर क्या है कि हम जब अपनी स्ट्रेंथ को देखते हैं तो हम झुकते नहीं हैं। तो सबसे पहले हमारी जो आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजिकली हम कम जब वीक रहेंगे तो हम बाय चांस में चले जाएंगे, और जब आइडियोलॉजिकली हम मजबूत होंगे तो हम बाय चॉइस में रहेंगे। तो आपका कहना कि क्या है सवाल, जो कि बाय चॉइस को, बाय चांस को बाय चॉइस में, तो हमें आइडियोलॉजिकली मजबूत होना पड़ेगा।
जब आइडियोलॉजिकली मजबूत होंगे तो हम कहीं पे भी रहेंगे, हम बाय चांस नहीं बाय चॉइस रहेंगे। और बाय चॉइस रहने वाला जहां भी होता है वो अपनी आवाज को उठाता है, वो वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स की बात करता है, वो लॉबी बेस्ड पॉलिटिक्स की बात नहीं करता है, वो क्लास बेस्ड पॉलिटिक्स की बात नहीं करता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। यासिर, मैं एक चीज सिर्फ एक बात कहना चाह रहा था, वो मुस्तकीम साहब से ताल्लुक नहीं है। मुस्तकीम साहब ने सियासत में बाई चॉइस की बात की, मैं इससे बिल्कुल पूरी तरह एग्री करता हूँ। लेकिन एक स्टेटमेंट में मुसलमानों में पार्लियामेंट में भी मैंने एक एमपी को बोलते हुए सुना और हमारे बड़े दानिश्वरों को भी सुनते हुए, मुस्तकीम साहब आपकी बात से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये बात अलग है। मैं पॉलिटिक्स में समझता हूँ कि बाई चॉइस होना चाहिए हमें, जो ये कहते हैं कि हम वी आर सिटीजंस बाई चॉइस, जो कहते हैं ना कि वी आर इंडियन बाई चॉइस, मुसलमान जो इंडियन बाई चॉइस, ये नहायत ही वाहियात बात है और इसका ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव आर्गुमेंट आप देते हैं। वी आर नेचुरल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, वी हैव बीन लिविंग इन दिस कंट्री फॉर यू नो सेंचुरीज, तो ये कहते हैं वी आर सिटीजन बाई चॉइस, इसका मतलब ये होता है कि आप समझते हैं कि पाकिस्तान जो है मुसलमानों के लिए बना था। बिल्कुल नहीं बना था, मुस्लिम मेजोरिटी एरिया हिंदुस्तान से अलग हुआ था। तो ऐसा थोड़ी कि पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बना था, अगर पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बना था तो फिर आपका यहाँ लेजिटिमेट क्लेम थोड़ी बनता है कि आप जा सकते थे वहां। नो, जो गए हैं उनका क्या हाल है, मुहाजिर हैं आज तक, कराची की सड़कों पर खून बहता है उनका। तो अल्टीमेटली वी आर इंडियन बाई, हम नेचुरल सिटीजन है जैसे बाकी लोग हैं। तो ये जो यानी मैं सिटीजनशिप के मामले पर कहता हूँ, जब सिटीजनशिप बाई च्वाइस कहते हैं तो ये गलत कहते हैं, आपको वेलकम करने के लिए कोई तैयार नहीं था वहां पे। तो हम इंडियन बाई, जब ये कहते हैं ना कि आप, हम इंडियन बाई च्वाइस हैं, इसका मतलब कि हमारे आबादजात के बाद ये च्वाइस थी कि वो चले जाते एक छोटे से पीस ऑफ लैंड पे जाकर के, सब लोग हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमान जो आ गए वो जाकर रह रहे होते। तो ये जो फॉल्टी आर्गुमेंट हम लोगों की तरफ से दिया जाता है, मैं नौजवानों को चाहता हूँ इस तरह का आर्गुमेंट ना दिया करें। वी आर नेशनल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, हम यहाँ पैदा हुए हैं, हमारे आबाजाद ने यहाँ कुर्बानियाँ दी हैं, हम इस मुल्क के आबो हवा में रहते हैं, ये हमारा मुल्क वैसे ही है जैसे बाकी लोगों का है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। मेरे साथ एक जुड़ चुके हैं हाजी मोहम्मद झोकू सिद्दीकी साहब, जो कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। हाजी मोहम्मद झोकू साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें टॉपिक के इर्द गिर्द रहते हुए। सर आपका माइक म्यूट है, आप अनम्यूट कर लें प्लीज। सर नीचे माइक का एक बटन होगा। माइक का नीचे बटन होगा, तीन बटन, फोर बटन होंगे, उसमें से थ्री डॉट के बाद एक बटन होगा, उसको क्लिक कर दीजिए। थ्री डॉट के बाद जो बटन है, माइक का बटन है, माइक पर क्लिक कर दीजिए, अनम्यूट हो जाएगा। ओके सर, नाउ यू आर म्यूट प्लीज। ओके सर, हाँ सर, क्या कर रहे थे? सर आप अपने ख्यालात का इजहार करें, आज का टॉपिक है कि व्हाई मुस्लिम इश्यूज आर आउट ऑफ डिस्कशन इन द यूपी इलेक्शन 2022 कैंपेन। जो आज का जो इलेक्शन है उसे मुसलमानों को इशू को डिस्कस क्यों नहीं किया जा रहा है, आखिर मुसलमानों को नाम कोई लेने के लिए तैयार क्यों नहीं है, ये टॉपिक है, आप इस पर अपने ख्यालात का इजहार करें। दरअसल मैं ये कहना चाह रहा था कि मुसलमानों के इशू को लोग इसलिए नहीं उठाना चाहते कि मुसलमान खुद अपना इशू नहीं उठाना चाहता। हम देख रहे हैं, हम पूर्वांचल से आते हैं, जनपद चंदौली से, हमारे यहाँ छोटी छोटी जातियां हैं जो उनकी संख्या बहुत मामूली है लेकिन उनके अंदर लड़ने की कुव्वत है, वो अपनी बात, अपने सवालात, अपने ख्यालात
को बहुत जोरदार तरीके से उठाते हैं और उनकी बात सुनी जाती है। आज जैसे उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए कि राजभर समाज के एक ओम प्रकाश राजभर हैं, जो बहुत इर्द गिर्द दो चार पांच जिलों में उनका संगठन है, लेकिन अखिलेश जो है उनको लेकर के, और उसी तरह से और आपके ये हैं चौहान बिरादरी के हैं संजय चौहान, निषाद बिरादरी के हैं, छोटी छोटी जातियां हैं, इनका एक दो चार जिलों में प्रभाव है, लेकिन है क्या कि वो अपनी संगठन और अपनी ताकत बना करके अपनी हिस्सेदारी की बात करते हैं। लेकिन हम मुसलमान, हमारी पता नहीं क्या मजबूरी है कि हम बीजेपी को हराने के लिए हर बात सोचते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान बीजेपी को या किसी को हराने जिताने की फिक्र छोड़ करके अपनी हिस्सेदारी और अपनी भागीदारी की बात करे, तो मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर कोई उनके लिए जगह नहीं है। और कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, कोई दल हो, आपके इशू को उठाना पसंद नहीं करते। इसलिए नहीं करते कि आप उनके गुलाम बने हैं, उनको आप बेमोल वोट देते जा रहे हैं, और इसी का नतीजा है कि जब आपको चाहते हैं निकाल देते हैं, जब चाहते हैं तो रख लेते हैं। ये हमारी कमजोरियां है, और सबसे बड़ी कमजोरी हमारे एक तरह से कह लीजिए तो जो रहबर हैं, जो हमारे उलमा हजरात हैं, ये भी कहीं ना कहीं हमारे मुसलमानों को नुकसान पहुंचाते हैं। जब हमको पॉलिटिक्स नहीं आती, हम पॉलिटिक्स नहीं जानते, लेकिन हम पॉलिटिक्स के मंचों पर खड़ा होकर के वो उस तरह की बात करेंगे कि कभी कभी आप देखते होंगे डिबेट में कि हमारे उलमा हजरात बैठ जाते हैं और उनसे पॉलिटिक्स की बात पूछी जाती है, तो क्या बात बताते हैं, और उसकी तवेनी पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की होती है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर शायद मुसलमान मुत्तहिद हो जाए और अपना एक फ्रंट बना ले, एक अपना झंडा बैनर बना ले, तो हम अपना मुद्दा वो छोड़ दें कि हमें कौन जीतेगा कौन हारेगा, हम अपनी ताकत का एहसास कराएं, अपनी पहचान का। जैसे कि आपने देखा कि एनआरसी और सीए जब आया, तो उसमें मैं मतलब एक तरह से कहना चाहता हूं कि हमारी जो माँ बहनें थी शाहीन बाग की, अगर उन लोगों ने आंदोलन नहीं किया होता और उन लोगों ने अपना जो है एकता नहीं दिखाई होती, तो शायद मैं समझता हूँ कि किसी हिंदुस्तान का किसी अथवा पॉलिटिक्स ने उसमें हम लोगों के सवाल पर लड़ने की कोशिश नहीं की। मैं यही कहना चाहता हूँ, और मैं अपील भी इस बात को करना चाहता हूँ कि मुसलमान मुत्तहिद हो और अपने हक और अपने अधिकार के लेड़ी के लिए खड़ा हो, चाहे को जीते को हारे हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक न एक दिन आपको अपने कीमती वोट को बर्बाद करना पड़ेगा। आप देख लीजिए 11% दलित हैं, दलितों ने अपने वोट को कांतीराम के साथ जुट कर कर एक उन्होंने अपना बनाया। पहले हमने देखा कि 300 350 400 500 वोट हर विधानसभा में पाते थे, लेकिन आज जो सूबे के मालिक हुए, लेकिन हम एक दूसरे के पीछे दौड़ते दौड़ते आज यहाँ तक पहुंचे हैं कि मुसलमान का कोई नाम हिंदुस्तान में लेने वाला नहीं है कि कोई मुसलमान का नाम ले ले। और जब मुझे एंगल किया जाता है तो पाकिस्तानी है ये है घुसपैठ ये है, तो ये हमारी कमजोरी है कि हम ये बातें सब सुनना चाहते हैं। जबकि आजादी के लड़ाई में हमारे पूर्वजों ने हमारे लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी है, लेकिन उस कुर्बानी को भुला करके आज जो हमको जलील किया जाता है, ये हमारी और हमारे रहबरों की देन है। इसलिए मैं फिर यही आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये पूरे देश में ये संदेश जाए कि कम से कम मुसलमान एक होकर के अपनी ताकत बनाए, बस मैं यही कहना चाह रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये हमारी छोटी सी कोशिश है, अल्लाह कामयाब करे। और जाहिर बात है कि जब मुसलमानों पर कोई परेशानी आती है और मुसलमानों पर जब पॉलिटिकली इतना बैकवर्ड में चले गए हैं, तो इस वक्त ये भी जरूरत है कि हमारे इंटेलेक्चुअल्स को बैठना चाहिए, सर जोड़ कर बैठना चाहिए और कोई ना कोई हल निकालना चाहिए कि आखिरकार ऐसा क्यों है कि हम पीछे हैं। और ऐसा नहीं है कि हम पॉलिटिकली पीछे हैं, हम इकोनॉमिकली माशियात के हिसाब से पीछे हैं, हम सियासियात के हिसाब से पीछे हैं, हमारा कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी पॉलिटिकली हम आगे नहीं है। तो हमारे इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी है कि वो हमें रास्ता दिखाएं,
नौजवानों को एक ऐसा रास्ता दिखाएं जिसकी वजह से हम आगे आए और वो हमारे हमारे हमें लीड करें। तो मैं हम तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं, और तमाम मेहमान महबूल हक सर हमारे टीचर हैं, हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मुस्तकीम साहब जो कि एक्टिविस्ट हैं, हम उनको भी शुक्रिया अदा करते हैं, और नाइम अकबर साहब जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, सोशल आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, और मुस्तकीम साहब का और जोकू साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। आप लोगों ने हमें अपना कीमती वक्त दिया है, और ये इंशाल्लाह ये आपका कीमती वक्त जाया नहीं जाएगा। मैं एक चीज जी कंक्लूड जी करना चाहता हूँ। जी देखिए, जी बार बार हमेशा ये बात की जाती है जब हमारे कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज या मुस्लिम क़यादत की बात अगर की जाए, तो जब होते हैं ना, तो एक चीज उसी की जाती है कि मुसलमान जो हैं, जैसे ओवैसी साहब हैं या और भी कई उलमाओं ने पार्टी बनाई, तो एक चीज हमेशा कही जाती है कि यार मुसलमानों को जो है सियासत से दूर रहना चाहिए। मतलब सियासत को इतनी बुरी हकीर निगाह से देखना चाहिए, देखते हैं ये लोग कि नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज को पॉलिटिक्स से मत रखिए, कुरान की तिलावत कर रहे हैं उसको जो है पॉलिटिक्स से दूर दूर रखिए, या कुछ ऐसी बात कर रहे हैं, या इंशाअल्लाह हम जीतेंगे, यहाँ तक कि ये भी हमने सुना कि इंशाअल्लाह हम जीतेंगे, इस तरीके की बात करते हैं तो कहते हैं कि नहीं, इन चीजों को पॉलिटिक्स से दूर रखिए। अभी मैं कहीं गया था तो यहाँ बात ही हो रही थी, तो नमाज की बात हो गई कि भाई हमारे जो रहबर हो, जो लीडर हो, नमाज पढ़े, तो उस पर भी लोगों का एतराज थे। तो इसमें ना, एक तो हमारी जो है कमी ये है कि हम दीन से भी काफी अलग हैं, हम दीन से काफी जुदा हो चुके हैं। अगर दीन की हमें सही मालूमात होती तो हमें पता होता है कि अल्लाह के नबी ने और जितने भी हमारे जो है सहाबाई कराम या तबा तबाइन गुजरे हैं, उन्होंने पॉलिटिक्स किस तरीके से पॉलिटिक्स की, अपनी शर्तों पे किस तरीके से पॉलिटिक्स किया उन लोगों ने। यहूद निसारा से हमारा सबसे ज्यादा इख्तिलाफ रहा, उसके बावजूद जो है मुशाबियत की अगर बात हुई हो तो यहूद निसारा से भी हमने जो है मुशाबियत की। उसके बाद जो है अल्लाह के नबी की ये हदीस है, जो कि हमें जो है कहा जाता है कि पॉलिटिक्स से दूर रही है मुसलमान, लेकिन फिर भी अल्लाह के नबी की ये हदीस है कि बनो उमैया के सारे नबी जो है सियासतदान थे, और फिर भी हमें मुसलमानों को कहा जाता है कि आप पॉलिटिक्स से दूर रहिए। तो एक ये भी नैरेटिव सेट किया जाता है कि एक मस्जिद के इमाम को पकड़ लेंगे और वो ऐलान कर देंगे, हाँ भाई फला पार्टी को वोट दिया, लेकिन उनपे उनकी डील होती है, कौम की डील कुछ नहीं होती है। तो अब हमें जो करना है, और एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसी जगहों से जब ये चीज निकल कर, हम जिस इलाके से आते हैं काफी पिछड़ा हुआ है चंदौली इलाका, जो कि अंकल भी हमारे हमारे ही पड़ोस के रहने वाले हैं, तो जब यहाँ तक आ चुकी है तो मतलब एक आगाज हो चुका है। और जब आप जैसे इंटेलेक्चुअल इस चीजों पर भी फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आज नहीं, 2 साल बाद, 4 साल बाद ये इंकलाब आएगा, और मुसलमान बेशक अपने सियासी जो इख्तलाफ में इहतिकाफ में जो बैठे हुए हैं उससे बाहर आएंगे, और इंशाअल्लाह ताला उसके बाद ईद होगी। तो बस यही बात मैं कहना चाह रहा था, बाकी आप जो है जी जी कंक्लूड कीजिए क्या बहुत कहना। बहुत शुक्रिया। और जाहिर बात है कि इस्लाम पॉलिटिक्स, इस्लाम तो ये सिखाता है कि हमारे सामने मौजूद है खिलाफत, चारों खलीफा का हमारी जिंदगी मौजूद है, अल्लाह रसूल की जिंदगी मौजूद है, कि आपने कहाँ कहाँ हुकूमत किया, शाम इतनी 22 मुरब्बा मील पर, और कुरान आफाकी किताब है, जिंदगी के हर गोशे पे बात करता है, जिंदगी के हर एंगल को सिखाता है कि हम जिंदगी कैसे गुजारे, तो हम पॉलिटिक्स को कैसे छोड़ सकते हैं। इस्लाम का और पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा रिश्ता है आपस में, हम दोनों को अलग नहीं कर सकते। और जो कहते हैं बहुत गलत कहते हैं, बहुत गलत नैरेटिव सेट किया गया है कि मुसलमानों को पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए। डर्टी पॉलिटिक्स, डर्टी पॉलिटिक्स एक अलग चीज है, पॉलिटिक्स अलग चीज है, हमें डर्टी पॉलिटिक्स से अलग रहना चाहिए, पॉलिटिक्स से नहीं। पॉलिटिक्स हमारे हर गोशे में है, हिस्से जिंदगी के हर हिस्से में पॉलिटिक्स है। तो मैं अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, और अपने तमाम गेस्ट का, कि आपने एक कीमती वक्त दिया है, इंशाल्लाह ये कीमती वक्त जाया नहीं जाएगा, ये जरूर इंकलाब लाएगा जैसे नाइन साहब ने कहा। और जाहिर बात है जब हर चीज अपने उरूज पर पहुंचती है, उनका जवाल भी है, अगर इसका जवाल भी है तो उसका उरूज भी है, तो इंशाल्लाह हम मेहनत करेंगे तो इंकलाब जरूर आएगा। और हम सब आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम यहीं अपने प्रोग्राम को खत्म करते हैं। आखिर दावा अलहमदुल्ला रबीआलमीन।